हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ विश्व। तो अगर आप कंप्यूटर पे कुछ सिखाते हैं या कुछ बताते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि बिना किसी एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर के आप कंप्यूटर की स्क्रीन को कैसे जूम कर सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ विंडोज मैग्नीफायर की। वीडियो स्किप मत करिएगा। मैं जान रहा हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि इसमें कौन सी खास बात है। बहुत सारे लोग जानते हैं कि विंडो मैग्नीफायर कैसे यूज़ किया जाता है, या विंडो मैग्नीफायर नाम का एक फंक्शन भी विंडोज 10 में दिया हुआ है, लेकिन क्या आप इसका प्रोफेशनल यूज़ जानते हैं? एक्चुअली बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चन किया कि विंडोज मैग्नीफायर जब यूज़ करो तो इस विंडो की उसकी जो मतलब जो छोटी सी विंडो बनती है वो हटती नहीं है, या मैनुअली जाकर उसको 200-300 करना पड़ता है। लेकिन आप जान के हैरान हो जाएंगे कि एक छोटी सी सेटिंग से ये एकदम प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर के जैसे काम करेगा। यकीन नहीं होता तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा। मैं बहुत आसान तरीके से बताऊंगा कि कौन सी सेटिंग है जिसको आप चेंज करके ये मतलब विंडोज मैग्नीफायर एकदम प्रोफेशनल मतलब मैग्नीफायर की तरह कंप्यूटर स्क्रीन को जूम कर सकते हैं। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा विंडोज 10 में जो मैग्नीफायर है वो कैसे काम करता है। तो देखिए, विंडोज 10 में जो मैग्नीफायर है उसको ओपन करने के लिए हम विंडो की के साथ प्लस प्लस करेंगे, तो ये देखिए मैग्नीफायर हमारा ओपन हो जाता है। अब आप देखिएगा, ये एकदम प्रोफेशनल जो जूम करने वाले सॉफ्टवेयर होते हैं उनकी तरह काम करेगा। अब मैं जितनी बार भी विंडो की के साथ प्लस बटन प्रेस करूंगा, ये देखिए ये जूम होता चला जाएगा। ये जूम वहां पे करेगा जहां पर मेरा कर्सर होगा। तो देखिए अभी कर्सर जहां पर है ये बार बार वहीं पर जूम करेगा जितनी बार भी हम विंडो की के साथ प्लस प्रेस करेंगे। ठीक है, ये देखिए जूम होता जा रहा है। और इसमें ये नहीं कि बस एक ही बार आपने कीवर्ड दबाया और जूम हो गया, उसके बाद आप जूम आउट ही कर सकते हैं। इसमें आप जितनी बार भी विंडो की के साथ प्लस प्रेस करेंगे ये जूम होता जाएगा। ठीक है, अब वापस जाने का तरीका, विंडो की के साथ माइनस बटन जितनी बार भी हम प्रेस करेंगे तो आप ये देखिए ये वापस से, और ये देखिए दिखा भी रहा है 300-250, ठीक है 200, अब ये 150 पे आ गया, अब ये 100 पे आ गया। ठीक है, तो जितनी बार भी हम विंडो की के साथ माइनस बटन प्रेस करेंगे ये जूम आउट होता चला जाएगा। ठीक है, विंडो की के साथ प्लस बटन प्रेस करेंगे तो जूम करेगा, और विंडो की के साथ माइनस बटन प्रेस करेंगे तो जूम आउट हो जाएगा, यानी कि जूम कम होता चला जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये विंडोज़ है, इसको ये विंडोज़ का छोटा सा बॉक्स दिख रहा है, इसको कैसे हटाएं? तो बहुत सिंपल है, यहाँ से मिनिमाइज़ कर देना है हमें और बॉक्स यहाँ से हट जाएगा। लेकिन मिनिमाइज़ करने से पहले मैं आपको वो सेटिंग बता दूं जिसके बाद ये जो मैग्नीफायर है विंडोज 10 का एकदम प्रोफेशनल जूम करने वाले सॉफ्टवेयर की तरह काम करता है। तो ये देखिए बगल में छोटा सा चक्री जैसा दिख रहा है, यहाँ पर जब अपना कर्सर ले जाएंगे तो ये ऑप्शन जैसा शो करेगा। ठीक है, तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो मैग्नीफायर का जो मतलब सेटिंग वाला जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। ये रहा, ये पेज ओपन हो गया। अब हम इसको विंडोज़ को यहाँ से कर देते हैं मिनिमाइज़। तो ये देखिए इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे छोटा सा ये दिख रहा है मिनिमाइज़ का बटन, इस पर क्लिक करिए तो ये विंडो मिनिमाइज़ हो गई। ठीक है, मिनिमाइज़ हो गई, ये नीचे का टास्क बार में यहाँ पर आपको शो करेगा। ठीक है, ये देखिए ये नीचे के टास्क बार में यहाँ पर शो कर रहा है। ठीक है, आप इसको दोबारा से मतलब इस पर क्लिक करेंगे तो ये सामने ऊपर बॉक्स बन के आ जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल इसको हम यहाँ से मिनिमाइज ही रहने देते हैं, और आप देखते हैं कि कौन सी सेटिंग है जिसके बाद हमारा जो ये जूम करने वाला विंडोज मैग्नीफायर है ये एकदम प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर की तरह काम कर रहा है। तो इसको स्क्रॉल डाउन करिए नीचे से, और यहाँ पर रही ये सेटिंग आपकी। ठीक है, ये रही आपकी सेटिंग, हैव मैग्नीफायर फॉलो। ठीक है, आपको सिर्फ पहला वाला बटन पे चेक मार्क रखना है, उसके बाकी जितने तीन बटन हैं इस पे अनचेक करना है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, पहले वाले पे चेक रहना चाहिए, बाकी तीनों पे अनचेक होना चाहिए, यानी इस पर कोई हम चेक मार्क नहीं लगाएंगे। ठीक है, सिर्फ पहले वाले पे चेक मार्क रहना है। ठीक है, बस इतना सही करना है, उसके बाद आपका जो विंडोज़ का जो मैग्नीफायर है वो एकदम प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर की तरह काम करेगा। ठीक है, और भी बहुत सारी सेटिंग्स हैं, आप वन बाय वन देख सकते हैं, मतलब ट्राई करके, हो सकता है कोई और भी आपको ज़्यादा सूट करे, लेकिन जो मैंने जो सेटिंग की है वो बस इतनी सी है। इन तीनों पे मैंने जो है अनचेक लगाया हुआ है, और बाकी एक पहले वाले पर चेक मार्क लगाया हुआ है।